morning all of you. In today's lecture we will discuss the important topic of inorganic chemistry and the part is chemical bonding. Chemical bonding का एक important topic हम discuss करने वाले हैं. Shape of the molecule जो कि important है JEE mains वालों के लिए भी NEET वालों के लिए. Definitely question आता है यहाँ से, तो वो topic हम discuss करने वाले हैं. ध्यान से समझना, अच्छे से आपको clear हो जाएगा concept. अगर ये आपने समझ लिया तो आप किसी भी molecule का shape और बता सकते हो कि उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा. तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को. शेप ऑफ द मॉलिक्यूल बेस्ड ऑन वेस्पर थ्योरी हम डिस्कस करने वाले हैं इस लेक्चर में. तो सबसे पहले मैंने लिया टाइप ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल. अगर आप टू लेते हो और बॉन्ड पेयर और लॉन्ग पेयर की कंडीशन बनाई मैंने, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर टू और लॉन्ग पेयर क्या होंगे टू, तो जनरल फॉर्मूला क्या होगा, ए बी टू टाइप का फॉर्मूला होगा. राइट, जब ए बी टू टाइप का फॉर्मूला होगा तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन जो आती है मॉलिक्यूल की, एग्जाम्पल से समझेंगे, वो क्या आएगी, एसपी हाइब्रिडाइजेशन आएगी. राइट, अब एसपी हाइब्रिड में शेप मॉलिक्यूल की कैसे बनेगी वो हमें बताना है. जो शेप बनती है और जो हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग शेप होती है वो थोड़ी सी क्या होती है, डिफरेंट होती है. जो परफेक्ट अगर हाइब्रिडाइजेशन होता, अब ये परफेक्ट दिया हुआ है एसपी हाइब्रिडाइजेशन, आपको पता है एसपी हाइब्रिडाइजेशन की स्ट्रक्चर क्या होती है, लीनियर होती है. आपको तीन चीजें याद रखनी है, एसपी एसपी टू याद रखो, बेसिक याद रखो आप, मतलब एक मेन कॉन्सेप्ट याद रखो. उसके बाद जितने लॉन्ग पेयर ऐड होंगे उसके अकॉर्डिंग शेप में जो चेंज आएगा वो अपने दिख जाएगा उस स्ट्रक्चर में. राइट, एसपी क्या होता है, लीनियर. एसपी की शेप क्या होगी, लीनियर होगी, लीनियर होगी. लीनियर कैसा होता है, लॉन्ग पेयर तो है नहीं तो परफेक्ट लीनियर. किस साइड से, मान लो ये हमारा सेंट्रल एटम है और ये दो हाइब्रिड ऑर्बिटल उसके साथ जो है वो इन्वॉल्व हो गए, तो ये लीनियर टाइप की स्ट्रक्चर जो है वो मिल गई. अगर मैं इससे एग्जांपल लूं तो एग्जांपल क्या होगा इसका, BeCl2. मान लो एग्जाम में आ गया BeCl2, आप कैसे स्टार्ट करोगे, आपको सबसे पहले उसमें हाइब्रिड ऑर्बिटल बॉन्ड पेयर लॉन्ग पेयर फाइंड आउट करने, मतलब एक तरीके से आपको यहां देखो सिग्मा की वैल्यू निकालनी होती है. इसको एसएन फैक्टर बोलते हैं. सिग्मा क्या होता है, एसएन फैक्टर. वो क्या होता है, किसी भी मॉलिक्यूल के बॉन्ड पेयर और लोन पेयर का क्या होता है, सम होता है. वो सिग्मा की वैल्यू आपको बताती है कि आपका जनरल फॉर्मूला क्या बनेगा और आपका हाइब्रिडाइजेशन क्या बनेगा. यहां से सिग्मा की वैल्यू से डायरेक्टली वैल्यू को कंपेयर किया जाता है, वो भी आपको बता देती हूँ. देखो थोड़ा सा डिटेल में पहले मैं आपको बताती हूँ. फॉर एग्जाम्पल BeCl2 हम बैक करके देखते हैं. BeCl2 हमें दिया होता तो हम कैसे इसमें फाइंड आउट करते हैं इसकी शेप क्या है. हमारे पास क्वेश्चन यही आएगा एग्जाम में. तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि इसके पास बॉन्ड पेयर कितने हैं और लोन पेयर कितने हैं. तो बेरिलियम होता क्या है, कौन से मेमिक है, उसके आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन देखो 1s2 क्या होता है, उस पहले लिथियम क्या होता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, फोर होता है. तो ये क्या होता है 1s2 2s2, मतलब इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, बेरिलियम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन है, चार मत बना देना, कितने इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन है. वैलेंस शेल कौन सा होता है, जो आउटर मोस्ट शेल होता है. राइट, अब जब क्लोरीन बॉन्ड बनाएगा तो एक क्लोरीन यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा, दूसरा क्लोरीन यहाँ बॉन्ड बनाएगा. ये हम बना रहे हैं ऐसे मॉलिक्यूलर डायग्राम बनाते हैं, जैसे बनाते ना मॉलिक्यूल, तो ये बन गया बॉन्डिंग करने. तो कोई लॉन्ग पेयर प्रेजेंट नहीं है, इसका मतलब सिग्मा की वैल्यू दो बॉन्ड पेयर प्लस जीरो क्या आ गई, टू. क्लियर है, सिग्मा की वैल्यू टू डिफाइन करता है कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, एसपी होगा. क्लियर हुई, एसपी हाइब्रिडाइजेशन हुआ, शेप क्या होगी, लीनियर. क्या ये बातें सही है, क्या इसका जनरल फॉर्मूला ऐसे ही बन रहा है, बीई सी एल टू बॉन्ड पेयर टू नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल भी जो यूज हो रहे हैं वो भी क्या है, टू है. एनी डाउट, अच्छा नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं. नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल को मैंने थ्री किया और फर्स्ट केस हमने बनाया, इसको थोड़ा नीचे करते हैं, एग्जांपल को पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे. नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल थ्री, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर को भी मैंने थ्री किया. यहाँ पे नंबर ऑफ लॉन्ग पेयर को मैंने फर्स्ट टाइम क्या कर दिया, जीरो. तो जो जनरल फॉर्मूला बनेगा वो क्या ए बी थ्री बनेगा क्या, राइट, एनी डाउट. और जनरल फॉर्मूला ए बी थ्री बनेगा तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा, एसपी टू हाइब्रिडाइजेशन आएगा. एग्जाम्पल अगर एसपी टू हाइब्रिडाइजेशन होता है तो शेप क्या होती है, ट्राइगोनल प्लेनर होती है. इस तरह से ट्राइगोनल प्लेनर उस कंपाउंड की शेप जो होती है.
अगर एग्जाम्पल हम करें तो इसका एग्जाम्पल क्या होता है, BH3। मान लो एग्जाम्पल यही आ गया, आपको BH3 का जो है वो हाइब्रिडाइजेशन बताना है, या आपको BCl3 का बताना है कि बोरोन जो सेंट्रल एटम है वो कौन से हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में प्रेजेंट है, उसका शेप भी बताना है, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको देनी। तो आप क्या करोगे, सिग्मा की वैल्यू कैलकुलेट करोगे। सबसे पहले तो ये देखोगे बोरोन जो है वो क्या होता है, 1s2, 2s2, 2p1, उसके वैल्यू चेन में कितने इलेक्ट्रॉन, स्ट्रक्चर बनाना भी सिखा रही हूँ आपको, वैल्यू चेन में कितने इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन। इतने के साथ बॉन्ड बनना है, 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनना है, राइट, कोई दिक्कत। तो सिग्मा की वैल्यू कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर 3, लोन पेयर कोई है क्या नहीं है, तो सिग्मा की वैल्यू क्या आ गई, 3। सिग्मा की वैल्यू 3 आते ही आपको बोलना है इस मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2 होगा, और sp2 की शेप क्या होती है, ट्राइगोनल प्लेनर होती है। मतलब अगर मुझे यहाँ पे शेप बनानी पड़े किसकी, बोरोन की, तो ये आ गया आपका सेंट्रल एटम, यहाँ पे H, यहाँ पे H, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, Cl आ जाएगा। अब इसको चेक करो, ये सही है, फॉर्मूला सही है, हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने यूज हो रहे हैं, 3 यूज हो रहे हैं, कोई डाउट लग रहा है नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, इसको हटाते हैं, कंपेरिजन इसी के साथ लेंगे, देखना ये नोट कर लेना आप वीडियो को पॉज करके, अभी मेरी हाथ ही बना हुआ है डस्टर, है ना। तो अगली बार मैंने क्या किया, थर्ड में नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल 3 किया, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर को मैंने 2 कर दिया, और लोन पेयर को क्या कर दिया, 1, चेंज किया थोड़ा सा। क्या जनरल फॉर्मूला चेंज होगा क्या, एक बार आपसे पूछ रही हूँ, क्या जनरल फॉर्मूला चेंज होगा, लोन पेयर जाएंगे बॉन्ड पेयर 2 ही बनेंगे, तो जनरल फॉर्मूला चेंज होगा, क्या बन जाएगा, Ab2 बन जाएगा। हाइब्रिडाइजेशन क्योंकि सिग्मा की वैल्यू से डिसाइड होता है, और सिग्मा क्या होता है, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, तो ये वैल्यू क्या आएगी, 3। जब सिग्मा की वैल्यू 3 आती है तो ये आपको पता है, दोनों नहीं भी पता है तो भी आप ध्यान रख लेना, सिग्मा की वैल्यू 3 तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा, sp2। मतलब यहाँ पे भी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2 होगा, क्लियर, कोई डाउट नहीं है। अब शेप की बात करते हैं, आप देखो अब शेप को ध्यान से समझना, कोई भी ये है आपका सेंट्रल एटम ए, इसके साथ 2 बॉन्ड पेयर होंगे और 1 लोन पेयर होगा। आपको पता है लोन पेयर को चाहिए ज्यादा स्पेस, ये ना, लोन पेयर ऐसी जगह पे ज्यादा रहेगा जहां पे रिपल्शन क्या हो, कम हो, तो लोन पेयर यहां रहेगा, और दोनों बॉन्ड पेयर के कम की जो कंडीशन होगी, एच नहीं लगाते अपन, बी लगाते हैं, ए तो यहां आएगा और ए का लोन पेयर ऊपर, ये बी और ये बी, यही इसकी ऐसी कंडीशन होगी जहां पे इसको मैक्सिमम स्टेबिलिटी मिलेगी। आपको पता होगा कि जो लोन पेयर की रिपल्शन होती है वो सबसे ज्यादा होती है, राइट, फिर उसके बाद लोन पेयर बॉन्ड पेयर की रिपल्शन, और उसके बाद बॉन्ड पेयर की रिपल्शन होती है, ये ऑर्डर होता है, राइट। तो यहाँ पे हमने ऐसा नहीं करना, इस लोन पेयर को बीच में रख दिया, ये शेप क्यों बनी उसका रीजन बता दी हूँ। मान लो आपने गलती से इसको ऐसे कर दिया, बना दिया, ऐसे नहीं बनाना इसको, क्यों नहीं बनाना समझ में। अभी जो इंटरेक्शन हो गया, देखो यहाँ पे एक ये जो लोन पेयर है ये ज्यादा क्लोज हो जाएगा इस बी के, मतलब आपने इस तरह से ये दो बॉन्ड पेयर थे आपके, और एक कंडीशन तो ये है, आपने लोन पेयर को यहां रख दिया, एक कंडीशन आपने लोन पेयर को यहां रख दिया, मुझे ये बताओ यहां पे ज्यादा पास है वो यहां पे ज्यादा पास है, यहां ज्यादा पास होगा, जितना ज्यादा पास होगा यहाँ पे, तो इस बॉन्ड की इस लोन पेयर के साथ इस बॉन्ड की इस लोन पेयर के पास जो रिपल्शन की अमाउंट होगी वो क्या होगी, ज्यादा होगी, मतलब यहाँ पे उसको स्टेबिलिटी नहीं मिलती, मॉलिक्यूल खुद को इस टाइप से शेप में अरेंज करता है जिससे उसको क्या मिले, स्टेबिलिटी मिले, तो इसकी ये परफेक्ट शेप होती है। और ये जो शेप बनी, अगर हमें इसको डिफाइन करना हो तो क्या ये बेंड टाइप की होगी, बेंड शेप होगी, या हम इसको वी शेप भी बोल सकते हैं, बेंड शेप या वी शेप, एनी डाउट, कोई दिक्कत हो तो बता दो, नहीं है। एग्जाम्पल अगर करें, ये ध्यान रखना, एग्जाम्पल अगर हम करें तो एग्जाम्पल इसका है H2O, कैसे देख लो, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर बोन बना दो, हाइड्रोजन के एक लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर, सिग्मा की वैल्यू
कैसे है, थ्री दो बोन पे, एसपी टू एक लोन पे, शेप क्या हो जाएगी ये। मतलब अगर ये टेबल जो हम बनाने जा रहे हैं वो अगर आपने बना ली तो आप सिग्मा की वैल्यू निकालोगे, लॉन्ग पे देखोगे, डायरेक्टली क्या बता दोगे उसकी शेप को बता दोगे। कोई डाउट? नेक्स्ट पॉइंट पे आए, नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट कर, ये आप नोट कर लो। अरे क्या हुआ, डाउट आ रहा है क्या? सॉरी बच्चों, एग्जाम्पल आपने गलत ले लिया था, मैंने इसको फिर से फ्रेम वापस लिखा है आपको, मैंने यहाँ पे गलती से एसपी टू में एग्जाम्पल ले लिया, सो सॉरी फॉर दैट। मैंने ले लिया आपको वाटर एग्जाम्पल दे दिया और उसमें एक ऑक्सीजन के एक लोन पेयर बता दिए, सो सॉरी फॉर दैट। ये नीचे आएगा, इसका एग्जाम्पल जो हमें लेना चाहिए था एक्चुअल में वो क्या है, SnCl2। ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर होते ना, वो तो आगे वाले में चला जाएगा, 2+2 चला जाएगा, ठीक है। इसलिए मैंने ना अगली बार सारे कंपैरिजन वाले पॉइंट एक साथ ले लिए ताकि आपको दिक्कत नहीं आए। देखो यहां तक कर रहे थे क्या, थ्री हाइब्रिड ऑर्बिटल, टू बॉन्ड पेयर, वन लोन पेयर, एबी टू और स्ट्रक्चर एसपी टू, हाइब्रिडाइजेशन सही था, शेप भी बिल्कुल सही बताई थी हमने कि ए ये बी और ये लोन पेयर। अब याद आते हैं SnCl2 को देखते हैं कि ये सारी चीजें वेरीफाई हो रही है नहीं हो रही। Sn क्या होता है, कार्बन फैमिली में, कार्बन फैमिली में 1s2, 2s2, 2p2 कितने इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल में चार इलेक्ट्रॉन, तो Sn में भी कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, चार इलेक्ट्रॉन होंगे। किसके साथ बॉन्ड बनेगा, दो क्लोरीन के पास, क्या एक लोन पेयर बच जाएगा, क्या बच जाएगा, तो इसके सिग्मा की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिग्मा क्या हो जाएगा, 2+1 क्या हो जाएगा, 2+1 3 हो जाएगा। और आपको पता है 3 होने पे हाइब्रिडाइजेशन ऑलवेज ऑलवेज क्या होता है, sp2। तो सॉरी मैंने वो गलती से ले लिया वाटर एग्जांपल, राइट। अब देखो ये मैंने 4 वाला एक साथ ले लिया तो जो आपको डाउट कम आएगा, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इस बार 4 है, तो सबसे पहला केस बॉन्ड पेयर 4, लोन पेयर 0, स्ट्रक्चर क्या होगी, AB4, चार बॉन्ड पेयर होंगे तो स्ट्रक्चर क्या होगी, AB4, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3 होता है, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3 होता है। और अगर इसका sp3 का एग्जांपल ऐसा लिया जाए तो क्या CH4 इसका एग्जांपल होगा, क्या कार्बन की वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, चारों ने बॉन्ड बना लिए, राइट बॉन्ड बना लिए, तो सिग्मा की वैल्यू क्या होगी, 4, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp3। अब मुझे ये बताओ जब हाइड्रेशन sp3 होता है तो स्ट्रक्चर क्या होती है, टेट्राहेड्रल होती है, स्ट्रक्चर क्या होती है, टेट्राहेड्रल। इस टाइप से ये दो बॉन्ड ऐसे प्लेन में, एक आगे और एक पीछे, कैसे देख लो इस तरह से होता है, दो बॉन्ड ऐसे प्लेन में, एक एटम ऐसे आगे और एक बिल्कुल उसके पीछे, ये शेप कौन सी होती है आपकी, टेट्राहेड्रल शेप होती है, इस तरह से CH4 का मॉडल, राइट। अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, थोड़ा सा स्लाइडली इधर नीचे डाला ना क्योंकि इधर एग्जांपल लिख दिया था। अब नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल हमने 4 रखे, बॉन्ड पेयर को मैंने 3 कर दिया और लोन पेयर बढ़ा दिया, क्या सिग्मा वही रहेगा, क्या सिग्मा वही रहेगा, अगर सिग्मा वही रहेगा जनरल फॉर्मूला तो चेंज हो जाएगा क्योंकि एक लोन पेयर आ जाएगा, समझ आ रही बात, AP3 हो जाएगा, बट हाइब्रिडाइजेशन अभी भी क्या रहेगा, सिग्मा की वैल्यू वही आ रही है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगा, sp3 ही रहेगा, राइट। अगर ये sp3 रहेगा तो इसकी शेप को हमें देखना है कि कैसा होगा ये, तो देखो एक सेंट्रल एटम, 3 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर, ऐसा कुछ बनेगा, इस शेप को क्या बोला जाता है, पिरामिडल, पिरामिडल जैसा बन गया, ऐसे 3 बॉन्ड पेयर नीचे की तरफ आगे और एक लोन पेयर, लोन पेयर अकेला रहना पसंद करता है, उसको लगता है दूर दूर रहो मेरे से, मैं रिपल्शन करूंगा तो सारे एटम दूर दूर हो जाते हैं, तो ये क्या शेप बन जाती है इसकी, पिरामिडल शेप बन जाती है। अगर इसका एग्जाम्पल हमें लिखना हो तो क्या अमोनिया हो जाएगा, क्या 3 बॉन्ड पेयर, नाइट्रोजन के पास 1 लोन पेयर, शेप क्या हो जाएगी, पिरामिडल हो जाएगी। तो आपको कुछ नहीं करना, स्ट्रक्चर आपको बनानी आनी चाहिए, बॉन्ड पे काउंट कर लो, लोन पे काउंट कर लो, यहां तक पहुंच लो और यहां पे देख लो कितने बॉन्ड पे कितने लोन पे, कौन कहां कैसे एडजस्ट होगा, ये शेप क्या बन जाएगी इसकी।
क्या मिटिंग बन जाएगी, कोई डाउट नहीं है। अब नेक्स्ट देखो, फोर हाइब्रिड ऑर्बिटल, इस बार मैंने दो बॉन्ड पेयर और दो लोन पेयर कर दिए, दो बॉन्ड पेयर और दो लोन पेयर कर दिए, तो क्या जनरल फॉर्मूला ए बी टू हो जाएगा क्या? अब क्या हाइब्रिडाइजेशन चेंज होगा? नो, हाइब्रिडाइजेशन तो क्या रहेगा, एसपी थ्री ही रहेगा, कोई डाउट नहीं है यहाँ पे। वेरी गुड, अगर हाइब्रिडाइजेशन ये रहेगा तो शेप तो बदल जाएगी, क्योंकि ये लोन एक भी लोन पेयर आता है तो शेप जो है वो परफेक्ट नहीं रहती, कुछ ना कुछ चेंज आता है। ये टेट्राहेड्रल था, ये पिरामिडल था, देखते हैं ये कैसा बनेगा। ये एक सेंट्रल एटम, दो बॉन्ड पेयर, दो लोन पेयर, लोन पेयर हम दोनों साथ, तुम दोनों साथ, ऐसे हो गए, दो बी यहाँ पे, लोन पेयर लोन पेयर यहाँ पे आगे। तो ये जो शेप बनी, ये भी कौन सी वी शेप बन गई, क्या बन गई, वी शेप, या जिसको हम बोल देंगे बैंड शेप। इसका एग्जाम्पल जो होगा वो वॉटर होगा, क्योंकि वॉटर के पास दो लोन पेयर और दो क्या होते हैं, बॉन्ड पेयर होते हैं। समझ आ रहा है अच्छे से? नेक्स्ट देखो, हाइब्रिड ऑर्बिटल फोर, बॉन्ड पेयर वन कर दिया, लोन पेयर मैंने तीन कर दिए, तो क्या फॉर्मूला बदल जाएगा, क्या ए बी हो जाएगा, क्या हाइब्रिडाइजेशन बदलेगा? नो, नेवर, हाइब्रिडाइजेशन नहीं बदलेगा, शेप तो बदलेगी। शेप कैसी हो जाएगी, ए और बी दो ही चीज बचेंगे, दो ही चीज बचेंगे, तो इसके पास होंगे लोन पेयर, लोन पेयर लो मस्ती मारो, तीन लोन पेयर, तो ये शेप क्या हो जाएगी, लीनियर हो जाएगी। एक ही बॉन्ड बचा ना, शेप क्या रहेगी, लीनियर रहेगी। एग्जाम्पल अगर इसका लें तो सी एल ओ माइनस, इसकी जो शेप होगी वो क्या होगी, लीनियर होगी, क्योंकि क्लोरीन के पास इस तरह से तीन लोन पेयर होंगे, ऑक्सीजन बॉन्ड बना लेगा और वो क्या हो जाएगा, लीनियर हो जाएगा। क्लियर हुआ? फोर हाइब्रिड ऑर्बिटल के सारे केस क्लियर हो गए। अब ऐसे हम फाइव और सिक्स को लेते हैं, ये आप नोट डाउन कर लें। चलो तो नेक्स्ट हम हाइब्रिड ऑर्बिटल फाइव से स्टार्ट करते हैं, मतलब नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन की तरफ मूव करते हैं। समझना ध्यान से, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। स्टार्ट किया हमने फाइव हाइब्रिड ऑर्बिटल से। फर्स्ट केस हम हमेशा क्या बनाते हैं, परफेक्ट वाला बनाते हैं कि फाइव बॉन्ड पेयर हो और जीरो क्या हो, लोन पेयर हो। तो जनरल फॉर्मूला यही बनेगा, सिग्मा की वैल्यू जब फाइव होती है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, एसपी थ्री डी। और एसपी थ्री डी की अगर शेप की बात करी जाए तो उसकी शेप होती है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। कैसी, इस तरह से ट्राइंगल में होते हैं, ये ट्राइंगल बना दिया, यहां पे रख दिया आपका सेंट्रल एटम, ये तीन एटम यहां पे ट्राइंगल में, और एक ऊपर और एक नीचे, इस तरह से। जैसे ये ट्राइंगल में तीन एटम तो यहां आ गए, तीन एटम यहां आ गए ना, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ, तो ऐसी शेप को क्या बोला जाता है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। अगर मैं एग्जांपल लू तो क्या पीसीएल फाइव इसका एग्जांपल हो जाएगा, क्या पीसीएल फाइव फॉस्फोरस के वैलेंस शेल में फाइव इलेक्ट्रॉन, फाइव इलेक्ट्रॉन तो पांचों इलेक्ट्रॉन के साथ क्या क्लोरीन बॉन्ड बना लेगा क्या? अगर क्लोरीन बॉन्ड बनाएगा तो सिग्मा की वैल्यू फाइव, फाइव का हाइड्रेशन एसपी थ्री डी और ट्राइगोनल बाई पिरामिडल वो हो जाएगा, कोई डाउट। वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाओ फिर आप देख लो। चलो एक और लेते हैं, एक और लेते हैं, तो जिसको ये डायग्राम ये बनाना आता होगा ना, शेप तो ना ही आती होगी। HCO3F2 मान लो ये स्ट्रक्चर आ गया, मान लो मान लो इसका मुझे हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, बाकी अपन आगे करते हैं। देखो ये अपना ये बॉक्स चल रहा है, एडजस्ट कर लेना इसको, नीचे शिफ्ट कर देंगे। जीनोन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, एट इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड बनाओ फ्लोरीन है बना दिया, ऑक्सीजन बना दिया, नए टाइप एग्जांपल लिया, ठीक है। अब मैंने क्या बताया था कि हाइब्रिडाइजेशन जब भी निकालनी हो, मान लो ये क्वेश्चन आ गया फाइंड आउट द हाइब्रिडाइजेशन इन HCO3F2, आप सबसे पहले वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन काउंट करोगे, साइड वाले एटम को अटैच करोगे,
ये काम हो गया राइट। अब कैसी शेप रहेगी, क्या रहेगा, उसके लिए अपन इसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको सिग्मा कैलकुलेट करना है। सिग्मा जब कैलकुलेट किया जाता है तो आप क्या करते हो, बोन पे और लोन पे को काउंट करते हो। एक बात ध्यान रखना, जब भी आप काउंटिंग करो तो पाई बोन को काउंट नहीं करना, ये कंफ्यूजन हो जाती है बच्चों। किसको काउंट करना है सर? सिग्मा बोन को काउंट करना है, ऐसे में पाई बोन को काउंट नहीं। याद रखोगे, ये जब हम शेप पढ़ाते हैं ना तब आपको बताते हैं एक्चुअल में। तो यहाँ पे 4 सिग्मा बोन हो गए, एक लोन पेयर हो गया, सिग्मा की वैल्यू 5, सिग्मा की वैल्यू 5 तो एवलेशन क्या होगा? अच्छा ये नीचे वाले में आ जाएगा, ये मैंने कोई और एग्जांपल ले लिया, सिग्मा बताने लगी ना मैं बीच में नया एग्जाम्पल लेके। XeO3 सिग्मा 1 2 3 4 और +1 5 आ गया, 4+1 वाला केस हो गया। आगे वाला ले लिया मैंने, सॉरी सॉरी, आगे वाला पहले ले लिया, ऐसे माइंड में आया तो आगे वाला पहले पढ़ा लेते। चलो आते हैं हम इस पे, 5, 4 और 1 का कॉम्बिनेशन। इस बार फॉर्मूला क्या बन जाएगा, फॉर्मूला क्या बन जाएगा, Ab4 बन जाएगा। क्या एवलेशन चेंज होगा? नो, नेवर, नॉट एट ऑल। एग्जाम्पल देखो सामने आ गया, बस मुझे शेप शेप बतानी है कि क्या होगा, ठीक है ना? कोई दिक्कत तो लग रही नहीं है ना, शेप बना ली मैंने अभी बताई थी। XeO3 वापस से कर देते, देखो वापस से, वापस से पूरा 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 वापस, यहां तक सब सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां जो शेप होती है वो होती है सीसो, सीसो क्यों बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, अपन एग्जाम्पल ही बताते हैं। पहले आपका फेवरेट एग्जाम्पल लेते हैं, SF4। क्या लिया मैंने? SF4। देखते हैं जो अपन जो कर रहे हैं वो सही है क्या। तो देखो सल्फर के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं क्या? अच्छा, क्या फ्लोरीन ने ऐसे ऐसे बोन बना लिया? बना लिया। एक क्या बचा? लोन पेयर। तो क्या सिग्मा की वैल्यू 4+1 होगी क्या? और 4+1 तो 5, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? sp3d। अब ये सीसो कैसे होता है, मतलब कैसे दिखता है, शेप तो इसी में आनी है। तो ये देखो क्या होता है, ये ए, ये बी, ये बी, यहां पे बी, यहां पे बी, ट्राइगोनल की इस पोजीशन पे क्या आ जाता है आपका लोन पेयर। इस तरह की शेप बनती है, इधर आ गया लोन पेयर, ये दो बोन, ये ऐसे। तो ये क्या होती है आपकी सीसो। तो जब भी आपको ये कॉम्बिनेशन मिल जाए ना 4+1 वाला, तो आप शेप क्या बोल दोगे? सी सो शेप जो है वो बोल दो। क्या अभी मैंने जो एग्जांपल लिया, मैंने क्या लिया था अभी, इसको इधर शिफ्ट कर देंगे, टेंशन मत लो आप। एग्जांपल मैंने क्या लिया, XeO3F2। आपने अभी अभी करके बताया था मुझे ऐसा कुछ, ये यहां, ये यहां, अच्छा लिया था मैंने, मुझे याद नहीं आ रहा, चलो मैंने ऐसे लिख दिया। ये फिर मैंने कुछ और ले लिया, ये तो लोन पे वाला एग्जांपल ही नहीं बना। अच्छा अच्छा, हो सकता है उसमें गलती हुई हो, उसको रिमाइंड कर लेंगे अपने, जो होगा ना आप लास्ट में बता देना मैंने क्या लिया था, मैं भूल गई एक्चुअल में क्या लिया था। SF4 ये समझ आएगा, यहां पे जो किया था एक बार उसको लास्ट में अपन ले लेंगे। यहां तक की बातें समझ लो, कोई इशू लग रहा है तो बता, नहीं है ना पक्का, कन्फर्म हो गया। अब आते हैं हम नेक्स्ट पे, 5, 3 और 2 का कॉम्बिनेशन। तो फॉर्मूला इसको नीचे शिफ्ट कर देते हैं अपन पूरा। 3 और 2 का तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, Ab3 हाइब्रिडाइजेशन। क्या चेंज होगा? नो, नहीं होगा ना चेंज। अब अगर मुझे इसका एग्जाम्पल लेना हो, मतलब शेप कैसी होगी वो अगर देखना हो, इसकी शेप होती है टी शेप। क्या होती है इसकी? टी शेप होती है। देखो क्या होगा, दो लोन पेयर होंगे, लोन पेयर कहाँ आएंगे, हॉरिजॉन्टल में। तो देखो लोन पेयर को हॉरिजॉन्टल पे सेट करना है, कैसे? लोन पेयर को हॉरिजॉन्टल, ये यहां लगा दिया, यहां लगा दिया, तो एक बी एटम यहां आएगा
एक बी एटम यहाँ आएगा और एक बी एटम यहाँ आएगा, तो टी बन गया ना इधर, ऐसे देखोगे तो ये क्या बन गया, टी बन गया। तो जब भी थ्री और टू का कॉम्बिनेशन होता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि सीमा की वैल्यू वही शेप की और जाती है, टी शेप हो जाती है। इसका एक एग्जाम्पल लेंगे ClF3 क्लोरीन, ClF3 वेरीफाई कर ले क्लोरीन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, देखो दोनों चीजें क्लियर हो रही है आपकी, 7 इलेक्ट्रॉन बोन बना दो, ये बन गए 3+2 लोन पेयर का कॉम्बिनेशन हो गया, शेप क्या लिख दोगे, टी शेप। एक बार खुद प्रैक्टिस करोगे ना सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, टफ लगेगा ही नहीं आपको कुछ भी। अच्छा ठीक है, अब आगे चले 11 पे, ये 5 है, अब 2-3 कर देते हैं इसको, क्या कर दिया 2-3 कर दिया, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Ab2 हो जाएगा। क्या हाइब्रिडाइजेशन चेंज होगा, नो, sp3d ही रहेगा। बट अगर शेप की बात करें, मैं यहां लिखती हूँ देखो शेप, इसकी शेप की अगर बात करें तो वो क्या हो जाएगी, लीनियर हो जाएगी। कोई डाउट लग रहा हो तो बता दो, लीनियर क्यों होगी वो भी मैं बता देती हूँ। अभी तक यहां तक कोई डाउट लगे तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, पूछ सकते हो मुझसे, टेलीग्राम ग्रुप पे भी शेयर कर सकते हो। चलो शेप बनाए लीनियर क्यों होगी, लोन पेयर यहां, लोन पेयर यहां, लोन पेयर यहां, बी यहां पे, बी यहां पे, तो ये क्या बन गया, लीनियर ही बन गया ना, शेप क्या हो जाएगी, लीनियर हो जाएगी। समझ आया अच्छे से, देख लो इसको, 5 तक का कॉम्बिनेशन बना लिया, 6 और 7 हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में डालना, बस वो अपन जो एग्जाम्पल यहाँ पे लिख दिया था ना मैंने, वो मैं चेक कर लूंगी उसको अपने नेक्स्ट लेक्चर में, पहले वही बता देंगे, पता नहीं मैंने यहाँ पे क्या ले लिया था कि वो क्लैश कर रहा था एक्चुअली। यहाँ तक की सारी चीजें क्लियर है, सिग्मा वैल्यू निकालो, एक बात हो जाता है ना कि जब भी सिग्मा बॉन्ड की कैलकुलेशन करो तो पाई बॉन्ड को कंसीडर नहीं करना, एक्चुअली मैं आपको ना वो पाई बॉन्ड कंसीडर नहीं करना ऐसा एग्जाम्पल सोच के वो मैंने एग्जाम्पल लिख दिया, इस वजह से जो था वो शायद अपना वो मैच नहीं कर रहा था उसमें, अपने शेप में सिग्मा में मैच नहीं था। बाकी चीजें ठीक लग रही है, इसके बेसिस पे अपन प्रैक्टिस कर लेंगे, जैसे अपना ये पोर्शन कंप्लीट होगा मैं आपको बहुत सारे मॉलिक्यूल दूंगी जिसके हम सिग्मा और शेप और सब बताएंगे एक साथ, राइट, ओके, ऑल द बेस्ट, बाय।